धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक वट सावित्री का व्रत है। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज सहित बिहार के सभी जगह पर भक्ति भाव से अखंड सौभाग्यवती के वट सावित्री की पूजा की और पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है और इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत तथा कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अंततः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत 3 दिनों का होता है। इसमें वट वृक्ष के नीचे पूजा का विधान है और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में महिलाएं इस व्रत को रखती है। इस व्रत में वट वृक्ष के नीचे कच्चा सूत बांधकर 108 बार उसकी परिक्रमा करना होता है। इसके अलावा कई सारी चीजें वट वृक्ष के नीचे पूजा के दौरान अर्पण करनी पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान भी दिया था। पूजा इसका महत्व क्या है? ये पूजा सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था, पति की लंबी आयु के लिए। उसी दिन से आज तक सभी औरतें सुहागन वट वृक्ष की पूजा करती हैं, फेरा लगाती हैं और सावित्री माँ का पूजा करके उनसे लंबी आयु का वर मांगती है। जब सत्यवान का प्राण हर कर यम ले जा रहे थे यम लोग, तो उन्हें रोक कर सती ने उनसे कहा था कि नहीं, मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बार जिस जब भी प्राण ये है तो वो लौटाया नहीं जा सकता। तो कहेगी ठीक है, तब तक उनका पीछा करते रही। जब जहाँ तक गए वहाँ तक वो पीछे पीछे उनके जाती रही और अंत में उन्होंने भगवान यमदूत ने बोला कि क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तो बोला कि मैं तुम्हारी ये तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो उन्होंने अपने पत्नी बोला कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, उनके नेत्र नहीं हैं, उन्हें आप मुझे पसंद है, आप मुझ पर पसंद है तो ये वरदान दीजिए। तो उन्होंने वरदान दिया था कि जा तुम्हारे पति तुम्हारे सास ससुर का नेत्र आ जाएगा। और आगे बढ़ने लगे, तब फिर पीछा किया उन्होंने, आगे बढ़ते रहे। तब उन्होंने कहा कि पुत्री तुम पीछा क्यों करे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न, तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति सास ससुर का राज चला गया है, इसलिए आप हमसे इतने प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पति का सास ससुर का राज वापस आ जाए। तो उन्होंने ये वरदान दे के जाओ तुम्हारे सास ससुर का राज वापस मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ने लगे, तब पीछे पीछे सती उनके पीछे जाने लगी। तब रुक कर पूछे, पुत्री अब क्या तुम्हें चाहिए? थी कहा कि मैं जो वर मांगना चाहती हूँ वो आपने अभी तक नहीं दिया, तो क्या पुत्री कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तो वो फिर वर मांगी तो बोली कि मुझे मेरे पति का प्राण लौटा दे, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें सदा पुत्रवती बहुत वरदान देता हूँ। तो उन्होंने वरदान दिया, तो कहा प्रभु अब पुत्र के बिना, पति के बिना पुत्र कैसे हो सकता है, कि आप मेरे पति का प्राण लौटाएंगे तभी तो पुत्र होगा। तो उन्होंने अंत में उन्होंने सौभाग्यवती का वरदान दिया। तभी से तब सत्यवान जीवित हो गए। उसी दिन से आज तक ये लोग वट सावित्री का वट पूजा करते हैं। आज वर पूजा है, क्या कहना चाहते हैं बताइए? आज वर पूजा, वर के लिए पूजा की जाती है जिसमें सुहागिनों को पूरे श्रृंगार करके वर की पूजा करते हैं और अपने पति देव की भी पूजा करते हैं। क्या मन्नतें मांगे हैं? हमारे वर की दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, इसीलिए ये पूजा की जाती है। क्या नाम है? अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति देव की बहुत लंबी उम्र। क्या नाम हो? श्वेता कुमारी। सावित्री का पूजा, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि वट सावित्री जो ये व्रत है, सत्यवान और सावित्री का व्रत है। आज ही के दिन सावित्री
सत्यवान के लिए प्राण की याचना की थी और आज के ही दिन सत्यवान का प्राण सावित्री पुनर्स्थापित की थी सत्यवान में, और तब से यह तिथि या जो बट सावित्री आज ज्येष्ठ अमावस्या जो है तो अमृत को प्राप्त कर दिया, और उसी का अनुसरण करते हुए हमारे भारतीय संस्कृति में माताएं महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया करती है। जी जी, ये व्रत जो हो रहा है किस लिए व्रत, क्या इसका उद्देश्य रहा है मूल रूप से? ये जो व्रत हो रहा है किस लिए हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य रहा है मूल रूप से? सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत को करती हैं। ये सदियों से चला आ रही है ये परंपरा, तो इसीलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन सा व्रत की? वट सावित्री की पूजा। एक समय पे सावित्री ने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया था, तब से ये प्रथा चली आ रही है और सभी स्त्रियां इस व्रत की प्रथा को निभाती चली आ रही हैं और ये आगे चलती रहेगी। आपका परिचय क्या नाम पड़ेगा? रोमा सुरेखा।